गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अर्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आज आप देख रहे हो बेसिक का ये वीडियो नंबर 18 और एलजेब्रा सीरीज का वीडियो नंबर 3। वैसे हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलजेब्रा के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो के अंदर डिवीजन ऑफ एलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी आसान टॉपिक है, आप इजीली इसको समझ जाओगे। बस आपको क्या करना है कि जो लाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म का अनलाइक और लाइक टर्म का कॉन्सेप्ट अब आपको भूल जाना है। इधर लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ जो सेम और जो इक्वल चीज़ें देखने में आ रही हैं उनको आपको यहाँ पे कट कर देना है। बस ध्यान रखना है कि इंटीजर की जो प्लस और माइनस की जो साइन है वो आप ठीक से लगाओ तो आपके सारे आंसर ठीक से बन जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। बेसिक हम सिर्फ 4 क्वेश्चन लेंगे और उसमें ही सारे कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 4x² / 2p। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4x² / 2p। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। 4 को मैं लिख रहा हूं 2 × 2 × x × x और नीचे भी मैं इसको 2 × p के फॉर्म में लिख देता हूं। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हो जो इक्वल नंबर्स है वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x² / p, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 4x² / 2y। मैं वापस इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूँ, 2 × 2 × x × x × y / 2 × y। ये 2 कट हो जाएगा और ये y कट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच रहा है, 2x² / 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए 2x², ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर, 4x^m / x^m। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × x^m / x^m। ये पूरा टर्म कट हो जाएगा। तो सिर्फ 2 × 2, नीचे कुछ नहीं बच रहा है इसलिए 1 बचेगा, 4/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। -2y³m / 2m। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में माइनस की साइन है, तो -2 × y × y × y × m / 2 × m, ये mm कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, इसीलिए माइनस की साइन और y 3 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए -y³, ये आपका आंसर हो गया। नीचे 1 लिखेंगे मतलब उसका कोई वैल्यू या उसकी कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -y³। एक और क्वेश्चन लेते हैं, -20m²p / -4mp। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -4 × 5 × m × m × p / -4 × m × p। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर -4 कैसे आया, क्योंकि देखो 20 माइनस में है इसलिए 4 × 5 = 20 हो जाएगा और ये -5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस की साइन एज्यूम करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा।
इसलिए माइनस फोर कट हो जाएंगे, एम एम कट हो जाएगा, पी पी कट हो जाएगा, इसलिए ऊपर सिर्फ क्या बच रहा है, फाइव और एम, और नीचे कुछ नहीं तो वन, नीचे वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू 5m आपका आंसर हो गया। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, आशा करते हैं कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ टच में रहिए, स्टे ट्यून विथ अस, ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहिए। थैंक यू सो मच।